नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और आपके साथ मैं हूं सृष्टि मारवा। आज देश भर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा से लेकर द्वारका तक कृष्ण मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिली है। मथुरा के जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश से भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। तो आज के दिन हर जगह पर भारी भीड़ देखी जा रही है। देश विदेश से भक्त आ रहे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा में खासी भीड़, खासा रौनक देखने को मिल रही है। भगवान की नगरी द्वारका कृष्ण भक्ति में डूब चुकी है। मथुरा में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है, ऐसे में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। आज के दिन श्री कृष्ण के सभी दर्शन करना चाहते हैं। मथुरा में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय मथुरा से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को आज के दिन सजाया गया है। श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज, ऐसे में हजारों लाखों की तादाद में लोग आज मंदिर पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आना जाना थम नहीं रहा है। भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, क्या कुछ आज रौनक देखने को मिल रही है मथुरा में, खास करके क्योंकि मथुरा को कृष्ण की नगरी माना जाता है, क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, मथुरा में जन्माष्टमी के दिन आना अपने आप में एक खुश नसीबी है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और नंदलाला बचपन में कहा गया था कृष्ण भगवान को, तो आप समझिए नंदलाला का अर्थ ही आनंद है। और आज मथुरा में आनंद ही आनंद नजर आ रहा है। जिधर भी आप नजर घुमाइए, सुबह हम जब 6:30 बजे एंटर हुए मथुरा के अंदर, तो सड़कों पे एक अलग ही रौनक थी। चारों तरफ भंडारे हो रहे हैं, फूल से सजे हुए हैं मंदिर, अलग रौनक। और इतनी ज्यादा संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई आज पूरी तरीके से आनंद में नजर आ रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति में नजर आ रहा है। और चारों तरफ एक ही जयकारा है कि कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। हर जगह हाथी घोड़ा पालकी कृष्ण लाल की, सब तरह के नारे आज वहां पर सुनाई दे रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो मुख्य मंदिर है, जहाँ जन्म स्थान है, वहां पर हम मौजूद हैं, उसी बालकनी में मौजूद हैं जहाँ मुख्य कार्यक्रम होना है। तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरीके से भगवान कृष्ण को सजाया गया है और जो उनका मंदिर है भव्य तरीके से सजाया गया है। लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि स्वर्ण आभा बंगले में ठाकुर जी इस वक्त विराजमान हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमल की आकृति के पोशाक हैं जिसमें छटा भी खेल रहे हैं इस वक्त वो। और आपको बता दें कि यहाँ पर 12:15 बजे का कार्यक्रम है जब अभिषेक होगा। एक आपको बता दें कि यहाँ पर धातु की गौ भी बनाई गई है और उन्हीं के दूध से, 51 किलो दूध से अभिषेक किया जाएगा। और ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना जन्माष्टमी के मौके पर, अपने आप में भाग्यशाली हूँ मैं कि आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये तमाम जो लाखों लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, एक अलग उत्साह इनमें दिखाई दे रहा है और कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से आज ये लोग मजे हुए नजर आ रहे हैं, डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लोकेंद्र, आपके ठीक पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से मंदिर को सजाया गया है, मंदिर परिसर को सजाया गया है फूलों की मालाओं के साथ। और क्या कुछ खास किया गया है मंदिर परिसर को आज के दिन सजाने के लिए? देखिए, खास तो आपने तस्वीरें देख ली कि किस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है। लेकिन हर बार क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश होती है जन्माष्टमी के मौके पर, तो इस बार जो संदेश दिया जा रहा है वो है पर्यावरण का, कि आप पेड़ बचाइए। और बहुत सारे पौधे आज यहाँ पर लगाए भी जाएंगे, तो ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत जरूरी भी है इस वक्त जब हम 21वीं सदी में हैं और एक प्रदूषण बड़ी चिंता है। और जिस तरीके से कृष्ण का जीवन रहा है पर्यावरण के बेहद करीब, वो हमेशा से रहे हैं, ग्वाला उन्हें कहा जाता था, तो उस चीज का संदेश आज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल भी हमने देखा था कि महिला सशक्तिकरण का एक यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई थी। और आज पर्यावरण किस तरीके से बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण हो, पेड़ लगाए जाएं ज्यादा से ज्यादा, ये संदेश देने की आज कोशिश यहाँ पर हो रही है। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो टीवी पर देख रहे हैं, या ये कहे करोड़ों लोग हैं
और उन तक एक ये अच्छा संदेश देने की आज यहाँ पर जो प्रबंधक हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ये जो पर्यावरण है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और जो कृष्ण भगवान थे उन्हें भी जो पर्यावरण था वो बड़ा प्यारा था और उसको संजो कर रखना, साफ सुथरा रखना ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश आज सृष्टि यहाँ से की जा रही है, ये अपने आप में बेहद खास। बिल्कुल, तो पर्यावरण बचाने को लेकर आज के दिन संदेश दिया जा रहा है। लोकेंद्र, और क्या कुछ वहां पर खास देखने को मिल रहा है? जैसे कि आपने बताया 51 किलो दूध आज के दिन वहां पर चढ़ाया जाएगा, और ऐसी क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि खास करके आज ही के दिन के लिए की गई हैं? देखिए, भोग लगेगा शाम को, उसके विशेष प्रबंध किए गए हैं और इसके अलावा लोग लगातार आ रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे फिर से आप जरा तस्वीरें देखें किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कितनी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत यहाँ पर प्रबल की गई हैं और बाकायदा हर पॉइंट पर आपको जांच से गुजरना होगा। तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बाहर से फोर्स बुलाई गई है यहाँ पर और शाम का इंतजार है जब 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उसके लिए विशेष यहाँ पर पूजा पाठ उस वक्त होगी। लेकिन अभी दर्शन किए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और लाइन लगी हुई है लंबी लंबी। अगर बात करें कृष्ण जन्म स्थान पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हालांकि यहाँ के जितने भी मंदिर हैं आज विशेष तरीके से सजे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सुबह जैसे ही हम एंटर हुए 6:30 बजे, तो आज आपको लग जाता है कि एक अलग उत्सव का माहौल है मथुरा के अंदर। और जितने भी छोटे बड़े मंदिर हमें दिखाई दिए, हर जगह आप देखेंगे कि फूल से सजे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं और रात को तो ये नजारा अपने आप में और खूबसूरत होगा, जैसा कि हर साल हम देखते भी हैं। और लोग किस तरीके से आ जा रहे हैं, मंदिर किस तरीके से सजाया गया है, ये तमाम चीजें हैं। और रात का इंतजार हर किसी को है, जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा 12:15 बजे उस वक्त अभिषेक होगा, 1:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे लोग जो आम लोग हैं यहाँ पर, और उसके बाद सुबह फिर जो समय होता है उसी पर दर्शन के लिए मंदिर को खोला जाएगा। 1:30 बजे आपको बता दें कि लास्ट है जो दर्शन हो पाए। बिल्कुल, तो आज रात का सभी को इंतजार है, बहुत ही खास माना जाता है वो पल। लोकेंद्र, ये भी बताइए, कल रात से ही मथुरा में कई छोटे बड़े मंदिर हैं श्री कृष्ण के, कल रात से ही हर जगह पर पूजा अर्चना करनी शुरू हो गई थी, जयकारे श्री कृष्ण के लगने कल रात से ही शुरू हो गए थे। सुबह से क्या कुछ माहौल मथुरा में बना हुआ है, ना सिर्फ इस बड़े मंदिर में बल्कि मथुरा में क्या कुछ माहौल सुबह से देखने को मिल रहा है? देखिए, मथुरा में आज एक अलग मिठास देखने को मिले, हालांकि उसी मिठास के लिए मथुरा जाना भी जाता है। एक अलग भाषा, अलग बोलचाल यहाँ के, वो खूबसूरती है मथुरा की। मंदिर हैं बहुत सारे, तमाम जगह आपको साधु संत दिखाई देंगे और आज तो इतने सारे लोग आ रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो अपने आप में भगवान कृष्ण हमें जीवन किस तरीके से जिया जाए, चाहे उनका बाल रूप रहा हो, चाहे वो बड़े हुए हों, उन्होंने हर चीज हमें सिखाई है। मित्रता उनके सुदामा के साथ रही हो, बाल रूप में जिस तरीके से उन्होंने लीलाएं दिखाई। माखन चोर थे, लेकिन ऐसे चोर थे जिन्हें हर कोई प्यार करता था, शायद से ऐसा चोर कोई हुआ नहीं होगा क्योंकि, लेकिन अपने आप में भगवान कृष्ण संपूर्ण थे और इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा भी मिला। उसके बाद गीता में जो उनका सार आता है, अर्जुन को जो शिक्षा देते हैं, तो कुल मिलाकर अगर बात करें भगवान कृष्ण की, तो किस तरीके से जिंदगी हम जी सकते हैं उसका एक पूरी तरीके से भगवान कृष्ण को अगर हम समझ लें अच्छे से, और वही आज मौका भी है लोगों के पास, उसी को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक तरह से समर्पण कर दिया, भगवान कृष्ण ने यही समझा है कि अगर आप एक बार मेरे लिए समर्पित हो गए, इसका मतलब आप अपने समाज के लिए समर्पित हो गए, अपने कर्म के लिए समर्पित हो गए। ये एक अच्छी चीज है जो गीता में भी समझाई गई है। और कृष्ण भगवान का जीवन जिस तरीके का रहा है वो बहुत कुछ लोगों को सिखाता है, और जन्माष्टमी के इस मौके पर लोगों को वो तमाम चीजें आज जानने का मौका भी मिल रहा है। मथुरा में तो तमाम जगह मंदिर हैं, सत्संग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, आयोजन जगह जगह हो रहे हैं, भंडारे जगह जगह हो रहे हैं। कोई भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं आज परेशान ना हो, वो पूरी व्यवस्था है। लोगों ने अपने स्तर पर चीजें की हुई हैं कि पानी की कमी ना रहे, खाने की कमी ना रहे, क्योंकि सृष्टि में बता दूं कि एक दो या हजार नहीं है, लाखों लोग हैं सुबह से आ रहे हैं। और केवल जन्म स्थान एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर है, कमल मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था करना बड़ा जरूरी था, और एक अच्छी चीज ये है मथुरा वासियों की कि अपने स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम लोगों ने किए। बिल्कुल, अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कराए हुए हैं लोगों ने। लोकेंद्र, कुछ देर पहले जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, देखा जा रहा था लगातार लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, हजारों लोगों की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। अगर भीड़ की खास तौर पर बात की जाए, क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से आज वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो किस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा रहा है?
देखिए पुलिस के सामने एक चुनौती तो थी और प्रशासन डटा हुआ है, बहुत सख्ती सुबह से यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे आप किसी भी स्तर से गुजरिए सख्ती है, चेकिंग हो रही है। और मीडिया कर्मियों के लिए भी आपको बता दूं खासतौर पर इंतजाम है, बालकनी में इंतजाम है, लेकिन वहां भी आप पहले से तैयारी कर कर आए हैं तभी एंट्री है आपकी, एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है, एक एक सामान चेक हो रहा है, ताकि ये सब चीजें इसीलिए हैं लोगों को असुविधा ना हो। और मुश्किल है क्योंकि प्रशासन के लिए इतना आसान नहीं होता है कि इतनी संख्या में जब लोग आ रहे हों तो उनको मैनेज किया जाए, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर जो हमें चीजें दिखाई दी हैं कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई लोग परेशान हो रहे हों, या अगर खो भी गया तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं, अगर बच्चे कहीं बिछड़ जा रहे हैं तो उसके लिए इंतजाम है, लोग जाकर जानकारी ले सकते हैं, जगह जगह बूथ बने हुए हैं। तो ऐसी कोई चीज कम से कम दिखाई नहीं दी और तारीफ करनी होगी प्रशासन की कि पूरे अच्छे से इंतजाम यहाँ पर आज देखने को मिले। बिल्कुल, और अगर सुरक्षा की बात की जाए लोकेंद्र, आपके ठीक पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी वहां पर भारी तादाद में तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अराजकता नहीं हो पाए। सुरक्षा की अगर बात की जाए, किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, किस तरीके से डायवर्जन्स की गई है ताकि एक सामान्य तरीके से आज के दिन को निकाला जा सके, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। देखिए सिस्टर बता दूं मैं कि जहां इस वक्त मौजूद है ये बालकनी है, ठीक है, ये मीडिया कर्मियों के लिए अलग से बनाई गई है ताकि दर्शन हो सके, कैमरा हमारा पहुंच सके, लेकिन बैरिकेटिंग का आपने जिक्र किया तो फोर व्हीलर्स की एंट्री नहीं है, बड़े वाहनों की एंट्री नहीं है, बाइकों की एंट्री हो सकती है, वो भी अगर आप खासतौर पर किसी काम के लिए जा रहे हैं, बाकी आप पैदल आइए। और मंदिर के बाहर ही आपको बता दें कि पूरी तरीके से बैरिकेटिंग हो चुकी है और केवल आप पैदल आ सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, बड़े वाहन तो दूर की बात है, ये सब इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो और क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो सकता है तो इसलिए पहले ही बड़े वाहनों को रोक लिया जा रहा है, फोर व्हीलर जो है उन्हें पहले ही सड़क पर रोक लिया जा रहा है। और पैदल आप आइए, दर्शन कीजिए, जाइए, लाइन में लोग जा रहे हैं, कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, तो एक अच्छी चीज है कि पहले से व्यवस्थित थी और एक्स्ट्रा फोर्स क्योंकि बुलाई गई थी यहाँ पर, तो कोई भी इस तरह की गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है और बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहा है। और एक अच्छी चीज और है कि लोग भी यहाँ पर कॉपरेट कर रहे हैं और कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण पूरी तरीके से सुरक्षा के भी पूरा इंतजाम कर लिए गए हैं, तैयारियां।